हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं माउंट इंटरनेशनल स्कूल में, जहां हम आपको एक विंटर कार्निवल दिखाने वाले हैं। विंटर कार्निवल में आप बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स देखने वाले हो। यहां आपको एग्जीबिशंस एंड ऑल थिंग्स जिसमें बच्चे इंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ साथ यहां बड़े भी बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि यहां पे हर चीज़ आपको इंटरेस्टिंग ही देखने को मिल सकती है, चाहे वो बच्चों के लेवल पे हो, चाहे वो बच्चों के पेरेंट्स के लेवल पे हो, क्योंकि इंजॉय सिर्फ एक इंसान नहीं करते, यहाँ बच्चे ही नहीं करते, बड़े भी इंजॉय करते हैं। तो इसमें जैसा कि आप देखोगे, यहाँ पे बच्चों की राइड्स और उसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स आपको अभी दिखाने वाले हैं। चलिए चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो हम पहुंचे हैं माउंट इंटरनेशनल स्कूल में, यहाँ पे बच्चों के जो एग्जीबिशन स्टॉल है वो आपको अब देखने को मिलेंगे। आइए पूछते हैं, उन्होंने जो ये स्टॉल लगा रखे हैं, ये किसको या किसको प्रमोट करेंगे, या पूरी एक्सप्लेनेशन आप बच्चों से ही जानते हैं। चलिए, ये जो आपने स्टॉल लगा रखा है ना, ये आप किस चीज का स्टॉल, वैसे देखने को बड़ा अच्छा लग रहा है, पेंटिंग्स वगैरह, लेकिन ये आप बताओ, आपने अपने अपने आप बताओ, ये क्या एक्सप्लेनेशन करो। मैम ये आर्ट एंड क्राफ्ट का, मैम दिस इज आर्ट एंड क्राफ्ट स्टॉल बाय द आर्ट क्लब स्टूडेंट्स। ये आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हो स्कूल में या पहले भी कर चुके हो? मैम लास्ट टाइम, मैम विंटर कार्निवल है। ओके, अच्छा कुछ लगा है, कुछ अच्छी सी रिपोर्ट आई है, अभी मिला है कुछ आपको, इससे लिख खरीदा बच्चों ने, कुछ लेके गए हैं यहाँ से? मैम एक, मैम यहाँ से मार्बल आट गई है, मैम एक बुद्धा जी आट गई है, एंड मैम शिवलिंग एंड मैम मछली। ये जो आर्ट्स आप कर रहे हो, ये आपने खुद की है सारी? मैम आधी हमने खुद की है, आधी बच्चों ने बनाई है। बहुत नाइस, वेरी गुड। ये सारा आपका ही है? ये सारा इनका ही है। स्टोर के पास देखते हैं इन्होंने क्या इन्वेंट किया और क्या किया, आप पूछते हैं इनसे। आपने क्या इन्वेंशन दिखाई हुई है हमें, एक्सप्लेन करो। मैम एक क्लास ऑटोमेशन है मैम, इसमें लाइक आप देखते हैं टीचर बोर्ड में कितना सरवाइव करते हैं, तो हाँ ये वॉइस टू टेक्स्ट है, अगर हम यहाँ टीचर जो है जो भी है मतलब टीचर बोलेंगे इसमें, तो ये LED के थ्रू दिखाएगा, वो टेक्स्ट में दिखाएगा। ये देखो, ट्राई करो। हाय एवरीवन, नाइस इन्वेंशन। बेटा आप बताओ। मैम मेरा नेम राहुल कंसल है। मैम जैसे हम देखते हैं फार्मर्स, मैम एनिमल से काफ़ी परेशान हो गए, मैम उनके क्रॉप्स ख़राब करते हैं। मैम जैसे हम एनिमल फार्म में एंटर होगा, तभी मैम बर्स करना स्टार्ट हो जाएगा। यस मैम। और मैम हम देखते हैं, मैम ये इधर है, मैम जैसे हम देखते हैं कई बार फार्म में मैम आग वगैरह लग जाए, तो मैम काफ़ी नुकसान हो जाता है, मैम उसके लिए मैम ये देखते हैं स्टार्ट हो जाएगा ना। मैम इसके थ्रू हम फर्टिलाइजर्स भी कर सकते हैं। यस मैम, कीप इट अप। अच्छा ये आपने क्या बनाया, ट्रैक्टर सा लग रहा है मेरे को कुछ। मैम नो मैम, दिस इज JCB है। मैम दिस इज प्रोडक्ट टू लोड हैवी प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा आप डेमो दिखाओगे? हैवी प्रोडक्ट को उठाने के लिए, मतलब ज़्यादा हैवी चीज़ें उठाने के लिए हेल्प करता है हमें। जैसे कि मैम मेरे पास ये अभी ट्रैक्टर है मैम, तो मैं इसको मैम इससे यहाँ पे टो करूँगा। मैम ये हैवी लोड्स को टो करने में मदद करता है। वेरी गुड। मैम ये है ब्लाइंड मैन स्टिक।
मैम ये ब्लाइंड मैम, मैम जो ब्लाइंड पीपल होते हैं मैम वो देख नहीं सकते मैम, वो मतलब आगे जो कुछ आता है मैम उससे टकरा जाते हैं मैम, उसके देख के मैम मैंने ये बनाया है कि मैम ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है मैम, वो वेव्स छोड़ता है मैम, वो किसी चीज़ से टकरा के वापस आ जाता है मैम, वही है मैम, अगर ये बटन दबा के हम इसे चलेंगे तो इससे बजर बजेगा और इससे आवाज़ आएगी तो सबको पता चल जाएगा भी आगे कोई चीज़ है। वेरी ग्रेट इन्वेंशन, आपने बनाई सारी पेंटिंग्स, वाओ ग्रेट। इट्स ऑल इज मेड बाय मी, दिस ज्वेलरी एंड ऑल इज मेड विद द हेल्प ऑफ रेजिन। रेजिन वाज पुट इन अ मोल्ड एंड देन आई पुट ड्राई फ्लावर्स इन इट एंड देन आई लेफ्ट इट टू ड्राई फॉर अ डे एंड दीस पेंटिंग्स आर ऑल देयर। हम आए हैं मैम के पास, माउंट इंटरनेशनल स्कूल के मैम के पास, अभी ये हमें गेम के बारे में बताने वाले हैं, चलो जानते हैं गेम के बारे में। सो द नेम ऑफ द गेम इज रोल द डाइस एंड इन दिस गेम यू शुड रोल द डाइस 4 times एंड योर टोटल स्कोर शुड बी 20 एंड इफ यू विन यू विल गेट एक्साइटेड प्राइजेस। प्राइज भी मिलेगा भाई, आइए आइए जल्दी से देखते हैं अब और कोई गेम कौन सी इंटरेस्टिंग है। हम आए एक और स्टॉल के पास, यहाँ पे लिखा हुआ काफ़ी इफेक्टिव नेम, हाई पाई केक स्टूडियो। अब देखते हैं ये इफेक्टिवनेस ये कहाँ से लेके आए हैं, इनके केक में भी दिखने को मिल रही है, आइए पूछते हैं इनसे। हाँ जी मैम, आपका नेम? मेरा ज्योत। ये आपने बड़ा अच्छा नेम सोचा हुआ है, ये इफेक्टिवनेस नेम में तो है ही है, केक में कैसे लेके आए आप? ये बेटी चलाती हूँ। एक्चुअली पाई का मेन केक होता है ना, तो अभी इजी नेम रखा है हाई पाई, जस्ट एज अ राइमिंग वर्ड। मेंशन यहीं पे देखने को मिल सकती है। बताइए आप किस किस टाइप्स के केक फ्लेवर्स के हैं? ये सभी होममेड केक्स और एगलेस केक्स हैं, मिक्स फ्रूट, पाइन एप्पल, रेड वेलवेट, चॉकलेट सभी फ्लेवर्स हैं, ड्राई केक्स भी हैं, चॉकलेट्स हैं, हैंडमेड ब्राउनीज हैं, कप केक्स हैं और सैंडविचेस हैं और बहुत कुछ है। वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा नेम आपने सोचा। ओके, कुछ भी फ्राइड नहीं है, सब कुछ बेक है, आप मैम का बना हुआ केक लो और हेल्दी रहो, हेल्दी खाओ और हेल्दी रहो। हम आए एक स्टॉल के पास, मुझे ना ये लुक वाइज पूरा साउथ इंडियन लग रहा है और प्रेजेंटेशन भी साउथ इंडियन ही है, अब देखते हैं ये क्या इन्होंने प्रिपेयर किया है और क्या कैसे बनाए हम उनसे पूछते हैं, चलो चलते हैं। हाँ जी मैम, क्या नाम? हेलो, कैसे हो? फाइन, माय नेम इज अनुपमा, आई एम फ्रॉम कर्नाटका बैंगलोर। मुझे लगा टी वी भी आता ना अनुपमा शायद आप। नहीं मैम, मुझे ये बताओ आप साउथ इंडियन को प्रेजेंट कर रहे हो, ये क्या चीज़ है? दिस इज आवर इडली एंड चटनी, ये टमाटर टैमरिंड, ये कोकोनट एंड ये चिल्ली और टमाटर और ये फ्राइड इडली मैम। देखने में तो बहुत यम्मी सा लग रहा है। अब मुझे ये बताओ ये आप जो स्टॉल लगा रहे हो स्कूल में, या पहले भी लगा चुके हो? फर्स्ट टाइम है कुछ? नहीं, दिस इज फर्स्ट टाइम, न्यूली आई जॉइन द स्कूल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट आई एम फ्रॉम बैंगलोर, सो आई गॉट टू नो दैट कि सब लोग लगा रहे, तो मैंने सोचा हम भी लगाते हैं, अपना दिखाते हैं सबको। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड डाला हुआ है कर्नाटका का, वो कन्नड़ में लिखा हुआ है, लिखा है कर्नाटका द सुप्रसिद्ध इडली चटनी। रियली रियली अमेजिंग, खाने में भी अमेजिंग है और देखने में भी अमेजिंग है, चलो चलते हैं किसी और के पास। हम आए एक और स्टॉल के पास, यहाँ से ना बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, कोई आएगी भी क्योंकि यहाँ पे जो मैम है हमारे स्कूल के, इन्होंने सब कुछ प्रिपेयर कराया सबने मिलके, तो आइए जान लेते हैं क्या बनाया है, कैसे बनाया है, आज ये पूछ लेते हैं, रेसिपी भी हो जाएगी स्कूल में एक। हाँ जी मैम, आपका नेम? माई नेम इज सारिका। ओके, ये आपने क्या बनाया? हमने बनाया था पाव भाजी, बनाया था चने कुलचे। ये जो डिशेज हैं पाव भाजी, चने कुलचे, ये सारे हमने मिलके बनाए हैं या फिर एक एक पर्सन ने बनाया? नहीं, हमने मिलके बनाया स्कूल में ही। अच्छा ठीक है, अच्छा खान देखने में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, टेस्ट में पता लगेगा कैसी है, कैसा है कैसा नहीं, मुझे लगता है आपने बनाया तो यम्मी होने वाला है ना, तो कुछ बताना चाहेंगे आप इसके लिए आपने क्या क्या यूज़ किया है, ये रेसिपी भी शेयर हो जाएगी हमारे चैनल पर। मैम ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इसमें हमने बहुत सारी वेजिटेबल्स एंड बहुत सारे मसाले यूज़ किए हैं और ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि हमने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये सब चीज़ें बनाई, सो अब इसको हम नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को और बढ़ा के और इंक्रीज़ करेंगे और अच्छे से इस चीज़ को यूटिलाइज़ करेंगे। वो चीज़ होती है ना, घर पे तो हम बनाते हैं फैमिली के लिए, लेकिन यहाँ पे
सारे लोगों के लिए बनाना मतलब सोचना भी होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में काम करना थोड़ा टफ ही होता है। तो स्पेशली थैंकफुल हम प्रिंसिपल मैम को कहेंगे कि उन्होंने हमें मतलब समझा कि हम ये कर सकते हैं, तो उन्होंने ये हमें दी अपॉर्चुनिटी, सो हमने ये किया। थैंक यू मैम। हाँ जी मैम, आप भी बताओ कुछ। नहीं एक्चुअली हम सब ने ही मिल के पाव भाजी बनाई थी एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस हमारे लिए भी, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि इतनी सारी गैदरिंग को हैंडल करना। पहले अर्लियर वी हैव अ पीटीएम के बाद फटाफट हमने अपनी ड्यूटी अरेंज की यहाँ पे, तो मतलब सारा कुछ मैनेज करना एंड एवरीथिंग। वी आर मोर कॉन्फिडेंट कि नेक्स्ट टाइम जब हम होगा तो इस चीज़ को हम और इंक्रीज कर सकते हैं और इफेक्टिवनेस। थैंक यू सो मच मैम। हम पहले भी आए थे स्टॉल में, मैम ने मैंने स्पेशल इनवाइट किया, आप आ तो गए, आपने मेरा साउथ इंडियन सब कुछ देख लिया, टेस्ट तो आपने किया ही नहीं। चलिए हम टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं। और मुझे ना सच्ची बताऊँ मैम की जो स्माइल है ना, इससे पता लग रहा है कि मैम ने अपनी स्माइल, कहते ना एक खाना बनाते समय जो खुशी से बनाता है वो और चांद चांद लग जाते हैं। चलो देखते हैं मैम, मुझे आपकी आवाज़ और आपकी स्माइल के साथ ही लव हो गया। थैंक यू सो मच। मैं चेक करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। सच्ची घर वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि हर चीज़ में, चाहे वो चटनी, चाहे वो इडली, और चाहे वो दो तरह की चटनी है, नारियल की चटनी, मोस्टली नारियल की चटनी बहुत यम्मी लगती है, हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, घर पे भी खाते हैं, बट मैम की चटनी सुपर से ऊपर ही है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हम आए हैं बच्चों के पेरेंट्स के पास, जानते हैं कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस स्कूल में, बच्चों को डालने के बाद, एडमिशन कराने के बाद क्या क्या चेंजेस आए, कुछ कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग थिंग्स। हाँ जी सर, आपका नाम? मैम कुलदेव सिंह। आपका सर? मनीष राठौर। अच्छा आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं यहाँ पे? सुखवंत सिंह। नाइन्थ क्लास में, ठीक है। आपका बच्चा क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आए स्कूल के बारे में कुछ बताना, द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्कूल इज। मैम एक्चुअली अभी पहले वो मैं स्कूल में लगाया हुआ था, स्टडी यहाँ बहुत बढ़िया हो गया है उसी का, अब उसकी स्टडी में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है आगे से, अब सिंगिंग में भी वो अपना कंपटीशन में भाग लेता है, काफ़ी इंप्रूवमेंट आई आगे से। वही ना, स्कूल में मतलब यहाँ पे स्कूल में हर चीज़ को एक्टिविटी में आगे रहते हैं बच्चे, चाहे वो स्टडी में तो रहते ही रहते हैं, हर एक्टिविटी में, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, है ना। तो आप मुझे ये बताओ कि आपका बच्चा यहाँ पे जब आपने डाला था, हर पेरेंट्स को पता होता है कि इसमें ये कमी थी और ये कमी सुधरी है, मतलब सुधार हुआ है उस बच्चे में, ऐसा कुछ लगा आपको कुछ थिंग? हाँ जी मैम, बहुत सुधार हुआ है, पहले वो इतना एक्टिव नहीं था, अब बहुत एक्टिव हो गया आगे से, पहले कॉन्फिडेंस बहुत आ गया उसमें मैम, तो अब लगता है बहुत अच्छे लेवल पे वो सिंगिंग करेगा आगे फ्यूचर में। सारा क्रेडिट स्कूल को ही जाता है। थैंक यू सो मच सर। हम आए एक और पेरेंट्स के पास, देखते हैं बच्चों में क्या बदलाव आए स्कूल में आने के बाद, चलिए जानते हैं। हाँ जी मैम, आपका नेम? मेरा नाम कमलजीत कौर है। बेटा आपका? परवीन सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जूनियर कैडी लोटस। ओके मैम, कुछ दसो स्कूल बारे कि कैसा लगा, मतलब आपको ये स्कूल, इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, आपको अलग लगता है, सब स्कूलों में से कुछ अलग लगता है? मैम जब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये स्कूल सबसे बेस्ट है, जबकि जहाँ की टीचिंग गेमिंग हर चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है मेरा। जैसे आज ही मैं इसको ये कॉस्ट्यूम में देख रही हूँ, ये पूरा पंजाबी कल्चर कहते हैं ना, कुर्ता पजामा एंड ऑल थिंग्स, है ना, तो जानते हैं क्यों वेयर करके आया है इतना अच्छा? मैम इसने ना आज रैम्बो करनी है, रैम्बो पर क्या क्या था पंजाबी कल्चर को पेश करना, प्रेजेंट करना है, तो इसलिए वे ये ड्रेस पहन कर आए हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। असि एक और पेरेंट्स को लाए हैं, देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग थिंग्स इस स्कूल के बारे में। हाँ जी पहले बताइए सर, आपका नाम? मेरा नाम अरविंदर। बेटा आपका? मेरा नाम है एकजोत। यहाँ पे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड ग्रेड में। ओके अच्छा सर, मैंने ये दसो कि तुहानू सब तो यूनिक और सब तो बेस्ट पार्ट क्या लगता है स्कूल का, सबसे यूनिक और बेस्ट पार्ट? मैनेजमेंट बहुत अच्छी है ना, टीचर्स का जो थोड़े नाल बिहेवियर है बहुत अच्छा है, फैमिली की तरह ही एक तरह ना, मैंने कदे भी ये फील नहीं होया इतने आके, यही रीज़न है कि जो स्कूल वाले ने कहा कि जो जी का टैग हटिया तो असं कहे सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो तुम सानू सेम फैसिलिटीज़ दे रहे हो
बच्चे दे सेम ध्यान रख रहे हो, टचवुड हले तक स्टिल पूरे उतर रहे ने, पूरे उतर रहे ने। आज अगर गल करी जाए कि आज के कार्निवल के बारे में आप क्या बताना चाहते हो, जो ये कार्निवल ऑर्गेनाइज किया गया? बहुत अच्छा होना चाहिए, इसमें पेरेंट्स का भी होता है कि पेरेंट्स भी पार्ट्स ले सकते हैं, बच्चों को होता है खेलने के लिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है इनमें, अच्छी बात है, होना चाहिए सभी में, सभी स्कूल्स में होना चाहिए ये बात। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। क्या इंटरेस्टिंग थिंग लगी आपको आज के कार्निवल के बाद? एक्चुअली फंक्शन बहुत अच्छा है, हमारी फर्स्ट विजिट है यहाँ पे, हम इसके एडमिशन का ही अभी प्लान कर रहे हैं, तो हमारा भी 100% प्लान फुल हो गया कि हमने यहीं पे इसको करना है, एडमिशन यहीं पे करवानी है। यही बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं क्योंकि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा यहाँ पे हर चीज इफेक्टिव है, चाहे बहुत कोऑपरेटिव है, अच्छा स्टाफ बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम। हम और एक और पेरेंट्स के पास आए हैं, जानते हैं स्कूल के बारे में और ज़्यादा यूनिकनेस और बेस्ट पार्ट, ठीक है? हाँ जी मैम, आपका नेम? मोनिका। बेटा आपका? हिनाया। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट। मैम मुझे ये बताइए कि स्कूल में जैसे अगर आज के कार्निवल के बारे में बात करें तो कैसा लगा आपको? मैम बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने इन्जॉय किया, सबसे मेन तो मैम यही है कि बच्चों का इन्जॉय। एंड मैम सेकेंड थिंग कि आप देखो हर जगह बच्चे की ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, दैट्स अ बेस्ट थिंग ऑफ देम ना, कि वो बहुत बेस्ट कर रहे हैं। मैम यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि मोस्टली हर एक स्कूल फेट ऑर्गेनाइज करता है ना, लेकिन उसमें ये होता है कि सभी ड्यूटीज़ होती हैं, मतलब आउट ऑफ स्कूल के पर्सन की होती हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लगा कार्निवल में कि हर टीचर्स, एवरी टीचर मतलब इंक्लूडेड है, चाहे फूड कोर्ट हो चाहे वो गेम हो, मतलब हर फील्ड में वो मुझे टीचर्स मतलब लग रहे हैं ना, प्रेजेंट लग रहे हैं, तो वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैम ये मतलब मैंने तो मुझे ये आई थिंक ये फर्स्ट में हो गई है, तो आई थिंक 4 ईयर्स हो गए हैं ना स्कूल्स के साथ, तो मैंने यही चीज़ हमेशा नोटिस की है कि टीचर्स आर वेरी मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है मैम, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, हर बार हर एक फील्ड में अपने आप को करते हैं बहुत ज़्यादा मैम, बहुत ये बहुत अच्छा पॉइंट है मैम इनका, बहुत यूनिक और बेस्ट पार्ट। बिल्कुल मैम, और पोलाइट नेचर है, बहुत बेस्ट है, सबसे बेस्ट है थिंक। देखो मैम स्कूल का लुधियाना से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट रेगुलरली आप नहीं आ सकते स्कूल, बट ऑन फोन आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग ऑफ देम, हर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है, आपको हर टीचर के हर एक पर्सन का नंबर आपके पास पर्सनली है, ये आपको प्रोवाइड है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है मैम आप कॉल कर सकते हो, तो वो अच्छा है मैम ये। और सबसे मेन की पोलाइट नेचर, और सेकंड सिर्फ आपको एक बार बतानी है अपनी प्रॉब्लम, आई थिंक मैंने कभी सेकंड टाइम रिपीट नहीं की अपनी प्रॉब्लम, ये सबसे बेस्ट थिंग मुझे ये लगती है कि, और ना ही मुझे ये कि मुझे विजिट ही करना है, कॉल पर ही मेरी बात हो जाती है, मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है मैम। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कहा गया ना दूर है स्कूल, लुधियाना से बहुत डिस्टेंस पड़ता है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर स्कूल से हमें इतने ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ या अच्छी सर्विस मिलती है तो वो दूरी भी ना ख़त्म हो जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। हाय एवरीवन, जैसा कि आपने देखा आज हम आए थे माउंट इंटरनेशनल स्कूल में, यहाँ आपने विंटर कार्निवल तो देख ही लिया होगा, यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देखने को मिले हैं, और इन्वेंशन तो बहुत ही ज़्यादा, क्या बोल सकती हूँ उसके बारे में, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, जो एक स्पेशली आप देखोगे इसमें हाईलाइटेड पॉइंट कि एक जो फार्म वाला था और उसके साथ ही एक जो ब्लैक बोर्ड का उन्होंने इन्वेंशन किया कि टीचर बोलते हैं और कहीं स्टूडेंट्स को नई बार पीछे बैठे को नहीं सुनता, तो एक डिस्प्ले में वो जो बोलेंगे टीचर वो लाइट होगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। तो आइए जानते हैं प्रिंसिपल मैम से आज के विंटर कार्निवल के बारे में कुछ और चीज़ें। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आई एम दलजीत कौर, प्रिंसिपल माउंट इंटरनेशनल स्कूल। तो आज हमारा विंटर कार्निवल था 2022, एंड लास्ट मंथ हमने एनुअल फंक्शन किया था, तो इस कार्निवल का मेन अट्रैक्शन था द एग्जीबिशन, the craft and other activities, the club activities basically मैं बोलूँगी कि जो बच्चे हमारे सैटरडे को हमारे क्लब्स होते हैं और सैटरडे की नो बैग डे होती है, तो उस दिन हमारे बच्चे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब्स में एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसमें हमारा रोबोटिक्स क्लब है, हमारे पास प्रोजेक्ट मेकिंग क्लब है, देन वी हैव आर्ट क्लब, सो पेंटिंग क्लब, स्कल्पचर क्लब, तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो आर्टिकल्स द चिल्ड्रन हैव मेड, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं,
फिर ब्लॉक प्रिंटिंग से बच्चों ने बहुत सारे कपड़े प्रिंट किए हुए आपने देखे होंगे, तो ऑल दीज थिंग्स वी टीच देम। एक स्किल हम कोशिश करते हैं कि बच्चों में डाल दें ताकि उनको बड़े होकर कोई प्रॉब्लम ना आए, उस स्किल से एटलीस्ट अगर कुछ नहीं तो उस स्किल से वो अर्न कर सकते हैं। सेकेंडली आपने देखा होगा हमारे फूड स्टॉल्स, वहाँ पे भी हमारे बच्चों ने प्रिपेयर किया था, वो कुकरी क्लब में सीखते हैं। तो बेसिकली जो कार्निवल था वो सारा हमारा क्लब एक्टिविटीज़ के ऊपर ही बेस्ड था। तो इवन फूड स्टॉल में बच्चों को सिखाया जाता है कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर करना है, हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। एंड देन आज जब उन्होंने अपने स्टॉल्स में अपने फूड आइटम्स, अपने बाकी पेंटिंग्स एंड डिफरेंट अदर आर्टिकल्स जो बेचे हैं, दे हैव सोल्ड ऑल्सो, सम ऑफ द पेरेंट्स स्टूडेंट्स हैव सोल्ड ऑल्सो। नाउ बाई सेलिंग दे हैव कम टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्निंग, द हाउ टू अर्न थिंग। तो अब उनको ये भी धीरे धीरे पता होता है कि इट इज़ नॉट सो ईजी। लाइक हम आजकल क्या करते हैं, बच्चे मांगते चीज़ बाद में होते हैं, पहले हम हाजिर कर देते हैं। बट इफ़ दे नो हाउ टू अर्न, सो देन दे विल डेफिनेटली थिंक बिफोर मेकिंग एनी डिमांड इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स। सो बिसाइड्स फूड स्टॉल्स एग्जीबिशन, वी हैव ऑल्सो गेम्स स्टॉल्स। तो आपने देखा होगा बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के हमने गेम्स अरेंज किए थे, एंड दोज वर ऑल प्लान्ड बाय आर चिल्ड्रन। सो दिस इज़ लाइक वी ट्राई टू इम्बाइब द थिंकिंग स्किल्स इन द चिल्ड्रन। सो देन वी हैव अदर प्ले लाइक बाउंसीज एंड ऑल्सो वर देयर फॉर एंटरटेनिंग द स्मॉल चिल्ड्रन। बिसाइड्स दिस देर वर मेनी कॉम्पिटिशन्स, डांस कॉम्पिटिशन वॉज देयर, सिंगिंग कॉम्पिटिशन वॉज देयर, रैम्प वॉक वॉज देयर, एंड इवन आर्ट कॉम्पिटिशन वॉज देयर। सो दे शोड डिफरेंट टैलेंट विद इन द गिवन टाइम दे परफॉर्म्ड। सो दैट वॉज द थिंग टूडे वी हैड इट। जैसे कि मैम ने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया कि आज के कार्निवल में सभी एक होता ना प्रशंसनीय था, ऐसा नहीं कह सकते कि एक चीज़ को हाईलाइट किया जाए, ऑल सब कुछ जो भी मतलब सब बच्चों ने मिलके, टीचर स्टाफ्स और मैम तो ऑब्वियस हैं ही साथ जुड़े हुए, क्योंकि इनके बिना तो कड़ी है ना कि कड़ी कुछ भी नहीं होता, एक पिलर है मैम। तो सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में था, हर चीज़ आपको सबसे कहते हैं ना एक अलग प्लेटफॉर्म में लेके जाएगी और एक इंटरेस्ट प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगी। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मैम ने हमें इनवाइट किया, उसके लिए मैम सो मच थैंक यू सो मच। मैं भी आत्मा चैनल का बहुत धन्यवाद करती हूँ, बिकॉज ये हमेशा हमारा साथ देते हैं, आते हैं और हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको लाइव करते हैं, उनको कवरेज करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।